हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपनी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ दो तरह के मिल्क शेक। तो अभी समर सीजन है और समर सीजन में ठंडा ठंडा मिल्क शेक सभी को पसंद होता है। तो आज मैं स्पेशली बच्चों के लिए दो तरह के मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो उन्हें बहुत ही पसंद आने वाला है। साथ ही बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहली रेसिपी है वो है ओरियो मिल्क शेक। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने ओरियो बिस्किट लिया है मिल्क शेक बनाने के लिए। तो 5 ओरियो बिस्किट लिया है। बहुत सारे फ्लेवर में ये ओरियो बिस्किट आता है, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें बिस्किट को तोड़ के डाल देंगे। तो इतनी आसान सी रेसिपी है कि इसे बच्चे ही बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरी बेटी बना रही है इस मिल्क शेक को। तो इसे तोड़ के मैंने डाल दिया और यहाँ पे हम ठंडा ठंडा दूध डाल रहे हैं। 1 ग्लास दूध डाला है मैंने और 2 चम्मच पाउडर शुगर। पाउडर शुगर चीनी के अपेक्षा जल्दी घुल जाता है। आप मिल्क शेक बना रहे हो या शरबत बना रहे हो उसमें पाउडर शुगर डालिए तो जल्दी घुल जाता है। और यहाँ पे हम वनीला आइसक्रीम डाल रहे हैं 2-3 चम्मच। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। पर अगर आपके पास आइसक्रीम ना हो तो आप अमूल का फ्रेश क्रीम भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, या फिर घर की रखी हुई मतलब ताज़ी मलाई जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो भी 1-2 चम्मच डाल देंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो सभी चीज़ों को हमने डाल दिया और अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए ठंडा ठंडा सा ओरियो मिल्क शेक बन के तैयार हो गया। तो अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेट करके बच्चों को दीजिए, उन्हें पीने में मज़ा आ जाता है। तो इसे हम ओरियो बिस्किट से ही डेकोरेट कर रहे हैं। तो ये लीजिए ओरियो मिल्क शेक बन के तैयार हो गया। तो अब हम दूसरी मिल्क शेक बनाएंगे और वो है वनीला मिल्क शेक। उसके लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी वनीला आइसक्रीम लिया है, 1 ग्लास ठंडा दूध लिया है, थोड़े से फ्रूट लूप्स लिए हैं हमने सजाने के लिए। आप स्प्रिंकल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वनीला एसेंस लिया है, अगर आपके पास है तो ले लीजिए वरना स्किप कर सकते हैं। और साथ ही पाउडर शुगर। तो गर्मी के दिनों में मैं पाउडर शुगर बना के रख लेती हूँ, चीनी का पाउडर बना के। इससे आप शरबत या शेक कुछ भी बना रहे हो तो बहुत आसानी होती है। ये पाउडर शुगर जो है वो आसानी से घुल मिल जाती है, तो बना के रख लें। तो अब क्या करना है, बस मिक्सी जार लीजिए और उसमें सारी चीज़ों को डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने ये वनीला आइसक्रीम डाल दिया, कटोरी में जो लगा हुआ था आइसक्रीम वो भी डाल दिया है। और अब इसमें हम दूध डाल देंगे। तो आइसक्रीम तो खुद ही बहुत मीठी होती है, तो ज़्यादा इसमें हमें चीनी नहीं डालनी है, बस 1 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। तो 1 चम्मच ये पाउडर शुगर चला गया इसमें और साथ ही हम डालेंगे वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें वरना स्किप कर दें। तो ज़्यादा नहीं, हमें इसे 2-4 बूंद ही डालना है। और इस शेक में आप चाहें तो थोड़े से ही काजू के टुकड़े डाल सकते हैं, शेक ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो बस अब हम एक बार इसे ब्लेंड कर लेंगे और हमारी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही ठंडी, टेस्टी वनीला मिल्क शेक बन के तैयार हो जाएगी। मिनटों में ये शेक बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए ठंडी ठंडी वनीला मिल्क शेक बन के तैयार हो गई। तो ये दोनों ही शेक बहुत ही यम्मी लगती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बच्चों के आप बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लें, कुछ भी आप आइसक्रीम डाल दें। ये मैंने थोड़ा सा फ्रूट लूप्स डाला है, बच्चों को बहुत पसंद होता है इसलिए मैंने डाल दिया। और साथ ही 1 चम्मच ऊपर से वनीला आइसक्रीम भी डाल दिया है। तो अगर आपको ये दोनों मिल्क शेक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपने अगले रेसिपी में। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो एक अच्छी रेसिपी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।